हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिस्टोपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ही किसी से पूछताछ कर रहा है, पूछ रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट इट, तुम इस बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट इट, तुम इस बारे में क्या जानते हो। वो डू यू नो अबाउट इट, आर यू हैविंग फन, क्या तुम्हें मजा आ रहा है। तो इसकी मजाक उड़ाते हुए पूछ रहा है, आर यू हैविंग फन, क्या तुम्हें मजा आ रहा है। आर यू हैविंग फन, आंसर द क्वेश्चन, सवाल का जवाब दो। आंसर द क्वेश्चन, सवाल का जवाब दो। वो डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो, यानी क्या चाहते हो तुम मुझसे। वो डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, वो डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। वाई डिड यू किल देम, तुमने उन्हें क्यों मारा था। वाई डिड यू किल देम, तुमने उन्हें क्यों मारा था। तो इस पे कह रहा है आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग देम, मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग देम, मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। सो फ्रेंड, मूवी का नाम रूम है इसका, तो थोड़ी कहानी समझना तो समझ में आएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। ये इससे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसने एक नया घर लिया है इस आदमी ने, और इस घर में इसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो इस घर में पहले ये रहा करता था, इसके इससे आके पूछताछ कर रहा है क्योंकि इसने उस घर के मालिक को मारा था, यानी अपने परिवार वालों को मार दिया था। तो इससे इसलिए पूछ रहा है कि तुमने उन्हें क्यों मारा था। तो ये कह रहा है आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग देम, मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग देम, मेरा उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। बट आई हैड टू, लेकिन मुझे मारना पड़ा। बट आई हैड टू, लेकिन मुझे मारना पड़ा। बट आई हैड टू बिकॉज इट वॉज द ओनली वे, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था। तो ये कहना चाह रहा है कि उस घर से निकलने का सिर्फ एक वही रास्ता था। ये इससे बता रहा है कि वो घर घर नहीं है, वो कुछ और है। तो इसलिए इससे कह रहा है बिकॉज इट वॉज द ओनली वे, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था। What do you mean by that? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? What do you mean by that? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? यानी ऐसी बात से तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean by that? You really are afraid, aren't you? You really are afraid, aren't you? तुम सच में डरे हुए हो, है ना? You really are afraid, aren't you? तुम सच में डरे हुए हो, है ना? Please tell me, please मुझे बताओ। Please tell me, please मुझे बताओ। I need to know, मुझे जानने की ज़रूरत है। I need to know, मुझे जानने की ज़रूरत है। I need to know, why did you kill them? तुमने उन्हें क्यों मारा? Why did you kill them? तुमने उन्हें क्यों मारा? So friend, इससे आगे पूछ रहा है why? Why did you have to do that? तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा था? Why did you have to do that? तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा था? यानी तुम्हें अपने परिवार को क्यों मारना पड़ा था? Why did you have to do that? And the most important thing is that, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, and the most important thing is that, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, and the most important thing is that, who made you do that? तुमसे ऐसा किसने करवाया? Who made you do that? यानी तुमसे ऐसा किसने करवाया था? Who made you do that? Just tell me, who was making you do this? मुझे बताओ तुमसे ऐसा कौन करवा रहा था? Just tell me, who was making you do this? तो फ्रेंड, ये इससे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि ये भी अब उस घर में रहने लगा है और इसके साथ भी अजीब अजीब चीज़ होने लगी, इसकी फैमिली में फंस चुकी है। तो इससे पूछ रहा है जस्ट टेल मी हु वॉज मेकिंग यू डू दिस, तुमसे ऐसा कौन करवा रहा था। अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, इफ़ यू वॉन्ट टू नो देन लिसन, If you want to know, then listen. अगर तुम जानना चाहते हो तो सुन। आगे फ्रेंड ये बोल रहा है, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। I'll tell you if you wanna know, but you won't believe me. I'll tell you if you wanna know, but you won't believe me. अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। I'll tell you if you wanna know, but you won't believe me. And I want you to believe me because nobody else does. और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो क्योंकि कोई और नहीं करता। And I want you to believe me because nobody else does. And I want you to believe me because nobody else does. आगे कह रहा है मैं करूँगा, वादा करता हूँ। I'll do, I promise. I'll do, I promise. यानी मैं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। I'll do, I promise. जिस घर में तुम रहते हो वो सिर्फ एक घर नहीं है। The house in which you live is not just a house, क्योंकि वो भी उस घर में पहले रहता था, इसलिए से बता रहा है कि the house in which you live is not just a house, जिस घर में तुम रहते हो वो सिर्फ एक घर नहीं है। the house in which you live is not just a house, I don't know what it is, but there is something in that house, मुझे नहीं पता क्या है लेकिन उस घर में कुछ है। I don't know what it is, but there is something in that house. I don't know what it is, but there is something in that house. मुझे नहीं पता उस घर में क्या है लेकिन उस घर में कुछ है, और उस चीज़ ने मुझसे वैसा करवाया। एंड दैट थिंग मेड मी डू दैट, तो अब बता रहा है कि उस चीज़ ने मुझसे मेरे परिवार को मरवाया था। एंड दैट थिंग मेड मी डू दैट, और उस चीज़ ने मुझसे वैसा करवाया। एंड दैट थिंग मेड मी डू दैट, द हाउस मेड मी किल दैम,
उस घर ने मुझसे उन्हें मरवाया था। द हाउस मेड मी किल देम, द हाउस मेड मी किल देम। मैं जानता हूँ भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। आई नो इट इज़ अ लिटिल हार्ड टू बिलीव, आई नो इट इज़ अ लिटिल हार्ड टू बिलीव। मैं जानता हूँ भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। आई नो इट इज़ अ लिटिल हार्ड टू बिलीव, लेकिन मैं कसम खाता हूँ यही सच है। बट आई स्वेयर इट इज़ द ट्रूथ, बट आई स्वेयर इट इज़ द ट्रूथ, लेकिन मैं कसम खाता हूँ यही सच है। बट आई स्वेयर इट इज़ द ट्रूथ, मानो या ना मानो यही सच है। बिलीव इट और नॉट बट इट इज़ द ट्रूथ, बिलीव इट और नॉट इट इज़ द ट्रूथ, मानो या ना मानो यही सच है। उस घर से निकल जाओ और वो भी अभी, गेट आउट ऑफ द हाउस एंड डू दैट नाउ, गेट आउट ऑफ द हाउस एंड डू दैट नाउ। उस घर से निकल जाओ और वो भी अभी, गेट आउट ऑफ द हाउस एंड डू दैट नाउ, इससे पहले कि देर हो जाए। बिफोर इट इज़ टू लेट, बिफोर इट्स टू लेट, इससे पहले कि देर हो जाए। बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि देर हो जाए, ये मेरी तुम्हारे लिए सलाह है। दैट्स माई एडवाइस टू यू, दैट्स माई एडवाइस टू यू, ये मेरी तुम्हारे लिए सलाह है। दैट्स माई एडवाइस टू यू, आई नो यू वॉन्ट डू इट, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। आई वॉन्ट, आई नो यू वॉन्ट डू दैट, यू वॉन्ट डू इट, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। आई नो यू वॉन्ट डू इट, मैं तुम जैसों को जानता हूँ। आई नो योर काइंड, आई नो योर काइंड, मैं तुम जैसों को जानता हूँ। आई नो योर काइंड, यहाँ पे बच्चे ऐसे कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ हमेशा रहना चाहती हो, अपनी माँ से कह रहा है। डू यू वॉन्ट टू बी विद मी फॉर एवर टू, डू यू वॉन्ट टू बी विद मी फॉर एवर टू, क्या तुम भी मेरे साथ हमेशा रहना चाहती हो। डू यू वॉन्ट टू बी विद मी फॉर एवर टू। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। और फ्रेंड, आप कमेंट्स में पूछते हो, मैं अब बता रहा हूँ आपको, इस मूवी का नाम द रूम है, द रूम मूवी का नाम है। पूरी मूवी एक घर के ऊपर है, एक घर में एक रूम होता है, जिस रूम में अगर तुम कोई भी विश करते हो, इस पे मैंने पहले भी दो वीडियो बनाई हैं, इसके सेंटेंस पे, इसके सबटाइटल्स पे पहले बताया था। तो इसी में एक रूम होता है और उस रूम में तुम जो भी विश करते हो वो तुम्हें मिलता है, पैसा कुछ भी सब आ जाएगा, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, उस कंडीशन में इंसान फंस जाता है बीच में। सो इसके ऊपर पूरी कहानी है, अगर आप देखोगे तो आपको, इंग्लिश में देखना सबटाइटल के साथ, तो आपको मज़ा आएगा देखने में और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।